हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माया सिंपल डेली लाइफ। आप सब कैसे हैं बताना ज़रूर। गुड मॉर्निंग, बहुत अर्ली गुड मॉर्निंग है, अभी सुबह का 3:30 बज रहा है। तो आज हम लोग का फास्टिंग है, तो अभी मैं सरगई करने के लिए उठी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। आज तो निर्जल व्रत रहेगा मेरा, फास्ट करूँगी मैं और मेरी जेठानी करेंगे, और आसपास में भी जो है, जो मेरी जेठानी है वो लोग करेंगे। यहाँ पर दही चूड़ा मही दाना देके बूंदिया सान लिया है, और स्वीट्स है, चाय बना लूँगी। अभी हम लोग ये जाएंगे जो चिड़िया वगैरह रहते हैं बाहर में, उनको हम लोग ये वाला देंगे खाने के लिए थोड़ा सा सुबह सुबह। उसके बाद जाके फिर हम लोग आके सरगई करेंगे, का पानी वगैरह जो अभी पियेंगे लास्ट वो पी लेंगे सरगई में, जो भी खाना है पीना है पी लेंगे। उसके बाद मतलब और फिर पूरा दिन कुछ भी नहीं, नेक्स्ट डे आपका सुबह में हम लोग का पूजा हो जाने के बाद हम लोग तब जाके हम लोग पानी पियेंगे। बच्चे लोगों को धागा पहना देंगे, जितिया में जो धागा रहता है वो पर पूजा करते हैं, फिर उसे हम लोग बच्चे लोगों को पहने। चाय बना दे रही हूँ तो, क्योंकि आज हम लोग चाय नहीं पियेंगे। और आपका चूड़ा दही दही दाना बनाना और दो टाइप का मिठाई है, इतना कुछ तो ली है मगर खा नहीं पाएंगे, इतना खा नहीं पाते हैं, और चाय पियेंगे। पर मैं पनीर बना रही हूँ, ये होममेड पनीर है। चमन भी नहीं है, चमन भी ड्यूटी गए हैं तो उनका लिए भी नहीं है, खाली बच्चों के लिए और सासू माँ के लिए खाना बना रही हूँ। आज चाटनी बोली मम्मा इस टाइप का बनाओ, थोड़ा सा इसका रस्सा होना चाहिए, हाँ थोड़ा पतला मैं बनाऊँ हमेशा, तो इसीलिए इस तरह से पनीर बनाया है। राइस टुक टुक को थोड़ा सा खिला के भेजे हैं, और यहाँ है बर्तन जो मुझे पुकार रहा है, आओ मुझे साफ करो मुझे धो। कल मेला गई थी, मेला में बहुत कुछ था, दिखाना भूल गई रात, मतलब आ क्या कुछ नहीं क्या लाऊंगी, इतना भीड़ था। बच्चों लोगों के लिए ऐसा ये मार्क्स ये क्या बोलते हैं इसे, ये है जेल जैसा, कैसा हो गया है अभी नाम याद नहीं आ रहा है। और ये लेके आए, ये तो कल गए थे अनाड़ा तो वहाँ से लेके आए थे। सलाम करो, सबको सलाम करो, देखिए आप सभी को सलाम कर रहे हैं। बस यही सब बच्चे लोगों के लिए, झूला में बैठे कुछ इतना कुछ खाने का था, बहुत कुछ खाए पिए इस तरीका से, इतना भीड़ कि क्या बोलूं कि क्या खरीदूं, बहुत कुछ सोच के गए थे ये लूंगी वो लूंगी, कुछ भी नहीं हुआ, भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, और समय तो है चुटकी बजा के ख़त्म हो गया। फिर आके जल्दी से कपड़ा चेंज करके जल्दी से रोटी बनाई, चारमी ने कर लिया स्लाइम, बच्चे लोगों को क्या पसंद होता है, ऐसा दो लेके आई है इस टाइप का पेन, ये एक कान का भी बहुत सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा, मगर मुझको तो उतना बड़ा बड़ा पसंद नहीं आता है, एक बहुत सुंदर ये कान का बहुत प्यारा रेड कलर इसका, देखिए पीछे बैक साइड में इस टाइप का नेट है देख सकते हैं, और इस टाइप का मीना करी सब वर्क है। मुझे क्या पता कि वो कान का बोलने से मुझको झुमका बहुत पसंद आता है, क्या पता कि मेरे पास बहुत झुमका है,
मुझे फिर भी इतना क्रेज़ है मुझे झुमका का, मतलब कि आप बोलो मुझे झुमका प्यारा, बहुत छोटा सा है मगर बहुत क्यूट और सुंदर लग रहा है। ये देखिए एक बटरफ्लाई है, कैसा लग रहा है चांदी के हैंग में। आज संडे है इसलिए चार्मी ने हेयर वॉश किया है, कितना प्यारा लग रहा है, पसंद आया था। तो इतना ही कुछ, इतना ही ले लिए, बाप रे आपने तो देखा ही होगा वीडियो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। कुछ भी नहीं, फ्रेंड लोग सोचे हैं कि कभी और नेक्स्ट जाएंगे तो कुछ सामान अगर घर के लिए, क्योंकि घर गृहस्थी भी तो है तो घर के लिए तो कुछ सामान लेना ही पड़ेगा, तो कुछ कुछ सामान लेना है घर के लिए। इतना सही था हम लोग का मीला का शॉपिंग, कैसा लगा बताना ज़रूर। छोटा मोटा निक नैक चीज़ें हैं, बच्चे लोगों के साथ तो जाने से पता ही है। तो मेरा वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ऋषियों ने संसार के कल्याण वर्य बोलो विद्या माता की जय। पूजा हो चुका यहाँ पर तुलसी मंच में, कथा वगैरह सुन लिए, अब जा रहे हैं दिया बत्ती पूजा घर में जला देंगे। शाम का बज चुका है 5:30, 12 घंटा से ऊपर हो गया है बिना जल का। ये जो व्रत होता है ये बच्चे के लिए होता है, ताकि बच्चा का शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चा का आयु दीर्घायु हो, बच्चा की उम्र बढ़े। चार्मी जब जन्म ली थी 3 महीना की थी, तभी से मेरी मम्मी ने, मैं वहीं पर मायके में ही थी, तो मम्मी ने कहा कि नहीं तुम यहाँ से ही उठा के जाओ मायके से, तो मैंने वहीं पर ही ये व्रत उठा लिया था। तो आज मेरा बहुत साल हो गया है, चार्मी का जितना साल हो गया है उससे एक साल, क्योंकि वो 1 साल की हुई नहीं थी, उससे बढ़कर 1 साल हो गया मेरा, 12 साल बोल सकते, 12 साल हो गया। ईद के दिन जो भी वेजिटेबल बनेगा, जो भी सब्जी बनेगा वो मैंने तैयारी कर लिया है। चार्मी ने मेरी बहुत मदद की है, उसने भी सब्जी वगैरह काटने में मेरी हेल्प की है। सब्जी काट लिया है मैंने, और जाके आपका अफसी पी जो हम लोग का चौखट होता है, क्योंकि चौखट का ही मेन पूजा होता है जितिया में, तो ये चौखट जितना भी दरवाजा का चौखट होता है वो सभी को हम लोग पोछेंगे, कल इसी के चौखट में ही हम लोग का पूजा होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल माया सिंपल डेली लाइफ। आप सब कैसे हैं बताना ज़रूर। तो सुबह हो गया है, कितना 4 बज रहा है, तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये है मेन जितिया, इसी का पूजा है मेन। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये पूजा आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो आई होप आप लोग समझेंगे। तो बस ये देख सकते हैं, ये रेडी हो चुका है और मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा हो चुका है मेरा, इस तरह से हमको द्वार को पूजा जाता है। अभी पानी नहीं पीऊँगी, अभी बच्चे लोग सोए हुए हैं। आपका मेरी जो जेठानी है उनका भी अभी पूजा नहीं हुआ है, जाऊँगी नीचे में भी उनके साथ कुछ हेल्प करना होगा तो कर दूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ ऊपर हो चुका है और मुझे फिर भगवान जी के पास भी, ठाकुर जी के पास भी घर में पूजा करना है। तो पहले देख लेती हूँ उनका हुआ कि नहीं, तब तक खाली 2 बच्चा है तो 2 गांठ वाला जीतिया, तो यही मेन, जैसे किसी का अगर 5 बच्चा है तो उसका 5 गांठ रहेगा। मेरे घर का भी पूजा हो चुका है,
व्रत पूरा हुआ, अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। अभी मैं फिर खाना वगैरह चांदनी को स्कूल भेजने के बाद मैं फिर खाना बनाऊंगी। पुई साग और पुई डाठा, छोटा वाला जो झींगा होता है, मिनी झींगा। गरम तेल में थोड़ा सा हींग, 5 फोरन सूखी मिर्च और 2-4 तेज पत्ता दिया। अच्छे से 5 फोरन जो लाल हो जाएगा तो मैं सब्जी को डाल दूंगी। इसमें सब मिक्स सब्जी, जितने भी सब्जी होती है सब, आपका कुमड़ा, कुंदरी, पटल, बरबट्टी, आपका कच्चू, आलू, पोई, सब कुछ मिला हुआ है तो इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं दाल को धो लूंगी, ये पीली दाल को। हल्दी डाल दूंगी, अदरक, लहसुन, जीरा, गोलकी, धनिया और कच्चा मिर्च। ये सब्जी लाल हो चुका है तो इसमें मैं दो आपका 2.5 चम्मच जैसा मैं इसमें मसाला डाल दे रही हूँ। ये लाल चना ये डाल दूंगी। डाठा और पुई साग है, स्वाद अनुसार नमक। बी दाल में मैंने कच्चा मिर्च, एक कच्चा मिर्च, ये थोड़ा टुकड़ा अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल दिए। अब इसको मैं पीस दूंगी। 3 मीडियम साइज का टमाटर मैं अब इसमें डाल दूंगी। टमाटर, उड़द की दाल पीस लिया मैंने। हाथ से ही फेंट रही हूँ, इसे एक तरफ, एक ही तरफ घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाएंगे, नहीं तो जितना भी आपने इसमें हवा भरा है ये सब निकल जाएगा। इसे एक ही तरफ आपको घुमाते रहना। अच्छा से आपका फिटा गया है, इसे कैसे चेक करेंगे। एक कप में पानी लूंगी के देखूंगी। देखिए ये ऊपर आ चुका है, ये ऊपर आ चुका है, इसका मतलब आपका अच्छा से बैटर अच्छा से विस्क हो गया है। मैं ये बात मैं आपको नहीं बोलूंगी कि ये टेस्ट में ऑसम लगता है, आप घर में खुद बनाकर देखिएगा, ये सच में ऑसम लगता है खाने में, एकदम गारंटी। तो ये देखिए मिक्स सब्जी हम लोग का तैयार है। बाबू हर जाना तेल का चीज है। आज के दिन ये बनता है, फिश बनता ही है। फिश में को मैरिनेट कर दूंगी हल्दी से, नमक भी दे दूंगी। अदरक, लहसुन, जीरा, गोलकी, धनिया, कच्चा मिर्च, उसी के पेस्ट में मैंने टमाटर और ये व्हाइट आपका सरसों और एक कच्चा मिर्च को डाल दिया है, इसे भी मैं पीस दूंगी। मसाला पीस के तैयार है। मसाला फ्राई हो चुका है, ये फिश फ्राई हो चुका है, फ्राई किया था। इसी ऑयल में मैं 5 फोरन, 1 सूखी मिर्च, 1 प्याज, प्याज से लाल हो गया है। अब मैं इसी स्टेज में ये भी मसाला मैंने पीसा था उसमें डाल दूंगी, अच्छे से भूजूंगी। थोड़ा सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, डाल दूंगी। इसे ढक दूंगी, बॉईल हो गया, इसके बाद में फिर इसे डाल दूंगी। और ये 3 पीस बच्चे लोग खाते हैं, ट्राई, इसे रख दूंगी। ये हो चुका है,
मैंने आज क्या क्या बनाया है आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये राइस जितिया के दिन खाया जाता है, मैं इसका नाम बार बार भूल जाती हूँ। ये मिक्स सब्जी, जितना सब्जी होता है 15-20 सब्जी मिलाकर ये सब्जी बनता है। यहाँ दाल, यहाँ पर फिश करी, मछली का तेल ये, और यहाँ पर उड़द की दाल का बड़ा। एक प्लेट में सारा कुछ निकाल दूंगी और नीचे में जाकर जो मेरे जेठ हैं उनको दूंगी, वो चढ़ा देंगे, जो हमारे पूर्वज थे, जो दादा परदादा ये सभी को, मेरे ससुर ये सब के नाम से वो चढ़ा देंगे। चावल, दाल, मिक्स सब्जी, बोड़ा, फिश, वो साग है, और ये मछली का तेल, सेम टुकटुक का भी वही है, सिर्फ मछली एक सूखा फ्राई दिए हैं। तो अब बातें ना करके जल्दी से खा लेते हैं, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। और सारा काम हो चुका है ख़त्म, अब आई हूँ फाइनली बेड पे। 3 बजे का भोर रात से जागे जागे, तब फ्रेंड्स मैं करती हूँ रेस्ट, पूरा थक चुकी हूँ। मैं अपने वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय करूँ ना।